अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर, क्या हाल है? मैं हूँ कासिम भाटक। आप देख रहे हो मेरे YouTube के चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज के बहुत सारे स्टूडेंट के, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस आए हैं कि सर, इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट, ट्यूटर और एग्ज़ाम के बारे में हमें रहनुमाई फराहम करें। तो इस हवाले से मैं आज आपको एक अहम ख़बर देने जा रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, देखना न भूलिए। जी तो सबसे पहली ख़बर, इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट की आखिरी डेट 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल के बाद किसी भी स्टूडेंट से कोई भी असाइनमेंट ट्यूटर नहीं लेगा। तो जी अभी जल्दी करें, आज ही डाकखाने जाकर असाइनमेंट को ट्यूटर के पते पर इरसाल करें और रजिस्ट्री की रसीद को अपने साथ संभाल कर रखें। डाकखाने, बैंक ये सारे खुले हैं, अगरचे लॉकडाउन है लेकिन डाकखाने और बैंक खुले हैं। जी तो 15 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट से पहले पहले अपने असाइनमेंट को रजिस्ट्री या बाय हैंड अपने ट्यूटर के पास पहुंचाए, वरना आप असाइनमेंट में गैर एब्सेंट कंसीडर होगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा ट्यूटर नहीं मिल रहा है। तो जी ट्यूटर मिलने के लिए आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर फाइन ट्यूटर इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्प्रिंग 2019 सर्च में दे दे आपको, फिर आपसे प्रोग्राम, रीजन आपका कोहाट है मिसाल के तौर पर रीजन, और इसी तरह फिर प्रोग्राम, कोई बीए कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई एमफिल, तो वो प्रोग्राम लेके अब इसके बाद फिर वो अपना रोल नंबर ऐड करे, आपको सारे ट्यूटर का पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको ट्यूटर नहीं मिला है, फिर भी अगर आपका ट्यूटर नहीं है, तो जी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर अपने रीजनल ऑफिस, मिसाल के तौर पर हमारा तो क्वाहट है रीजनल ऑफिस, डायरेक्टर रीजनल ऑफिस इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी KDA क्वाहट, इसी तरह रीजनल ऑफिस इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पेशावर, इसी तरह रीजनल ऑफिस इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एबटाबाद, इसी तरह जो इस्लामाबाद में रहते हैं, यानी मतलब यह है कि आप अपने रीजनल ऑफिस को अपने रजिस्ट्री अरसाल करें और रजिस्ट्री का रसीद अपने साथ संभाल के रखें, क्योंकि बहुत क्रिटिकल टाइम है, लॉकडाउन है, और किसी भी स्टूडेंट को असाइनमेंट में मसला हो सकता है। जो ट्यूटर ने एड्रेसेस दिए हैं तकरीबन किसी शॉप का या स्कूल का, तो स्कूल भी बंद है, शॉप भी बंद है, डकाने वाले अक्सर उसको वापस कर देते हैं। तो प्लीज़ ट्यूटर का जो फ़ोन नंबर होता है सबसे पहले उनके साथ रब्ता करें कि मैं सर असाइनमेंट भेज रहा हूँ, मैं किस एड्रेस पे आपको असाइनमेंट भेजूँ, और फ़ोन पे उनको रिक्वेस्ट करें कि सर जब आपको मेरे असाइनमेंट मिल जाए तो फिर सर काइंडली मुझे एक मैसेज या कॉल करके वापस रिप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे परेशानी होती है कि मेरे असाइनमेंट ट्यूटर के पास पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये सारी असाइनमेंट को पहुँचाना ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इसी तरह अब एग्ज़ाम के हवाले से मैं आप कहने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम इसी सेमेस्टर की देंगे, तो उस हवाले से ये खबर है कि जून और जुलाई में आपका इंशाल्लाह एग्ज़ाम होगा। जब इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नया नोटिफिकेशन करेगा तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। इसी तरह जो स्टूडेंट नए एडमिशन करने जा रहे हैं उसका भी डेट 15 अप्रैल तक है, अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। बहरहाल बैंक खोले हैं, आप किसी भी वक्त बैंक जाकर जो उसके मुतालिका बैंक है, एलाइटेड बैंक है या दूसरे जो बैंक है उनमें जो एडमिशन होते हैं उनमें आप अभी फौरन बैंक को पहुँचे और अपना एडमिशन करके अपने साथ एडमिशन के एक स्लिप को अपने साथ महफूज रखें, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो थ्रू डाकखाने भेजे
अब पहले इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बैंक के जरिए डॉक्यूमेंट्स को वसूल करते थे, अब वो डकाने के जरिए, लेकिन आपने डकाने वालों को ख़र्चा नहीं देना है क्योंकि ये इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने उनके साथ एक पोस्ट ऑफिस के साथ एक मुआहदा किया, ऑलरेडी किया गया है। तो जी, तो ये सारी खबरी थी। बहरहाल इंशाल्लाह फिर भी अगर इसमें आपके मुतालिक कोई मसला है, आपका मसला है वो मैंने डिस्कस नहीं किया है या आपको मुतमईन जवाब नहीं मिला है, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जी मुझे आप मुझसे पूछ सकते हो। नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसके साथ बेल का जो आइकन है वो दबाए ताकि नई वीडियो जो मैं शेयर करता हूँ आपको भी मिले। शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।